चलिएगा। तो जो अब अगला टॉपिक होगा वो होगा थियोसोफिकल मूवमेंट या थियोसोफिकल आंदोलन, जिसे हम थियोसोफिकल सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द थियोसोफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई मैडम ब्लाटवस्की एंड कर्नल अल्काट इन 1875 इन न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो इस मूवमेंट या इस सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावस्की के द्वारा की गई थी। अच्छा, मैं फाउंडर का नाम बता दे रहा हूँ आप लोगों को, संस्थापक का नाम बता रहा हूँ। और ये बिलोंग करती है कहाँ से? रूस या रसिया से। ठीक है, तो ब्लाटवस्की जो है वो बिलोंग करती है कहाँ से? रूस से या रसिया से। ठीक है, एंड द सेकेंड फाउंडर वॉज कर्नल ओलकॉट, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं या अमेरिका के हैं। तो अमेरिका के कर्नल अल्काट और मैडम ब्लाटवस्की, इन दोनों लोगों के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1875, 1875 में। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि थियोसोफिकल मूवमेंट या थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा मैडम ब्लाटवस्की, सी वॉज बिलोंग फ्रॉम रसिया, एंड द सेकेंड मेंबर वॉज कर्नल ओलकॉट, हु वॉज बिलोंग फ्रॉम अमेरिका। और इन दोनों ने इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, बाद में ये लोग भारत आ गए थे, बाद में ये लोग इंडिया आ गए थे, और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर भारत में या इंडिया में मद्रास के पास एक एरिया, एक जगह है जिसका नाम है अडयार। तो मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, अपना मुख्यालय बनाया था 1886, 1886 में। तो 1886 में दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर इन अडयार। जो मद्रास प्रेसिडेंसी या मद्रास के निकट एक स्थान है अडयार, अडयार नामक स्थान पर इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने मूवमेंट का क्या किया था? हेडक्वार्टर बनाया था जब ये इंडिया आए थे 1886, 1886 में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो मूवमेंट, ये जो आंदोलन था, धीरे धीरे इंडिया में फैलता जा रहा था, धीरे धीरे इंडिया में पॉपुलर हो रहा था, फेमस हो रहा था। लेकिन इस मूवमेंट को सबसे ज्यादा फेमसनेस या सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो मिली वो 1893 या 1893 में मिली। 1893 में जब इंडिया में आई श्रीमती एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट एक आयरलैंड या आयरिश फीमेल थी जो 1893 1893 में भारत आती हैं। तो 1893 में अराइवल होता है किसका? श्रीमती एनी बेसेंट का या एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट इंडिया आती है 1893 में। द मूवमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाई एनी बेसेंट इन इंडिया इन 1893। तो 1893 में एनी बेसेंट के आने के साथ ही इस मूवमेंट की जो प्रसिद्धि है वो इंडिया में बढ़ जाती है, और इंडिया में सभी तरफ ये मूवमेंट फैल जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट के आने के बाद। ठीक है, इट एम्ड टू वर्क फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर। तो इस मूवमेंट का बेसिक लक्ष्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? तो इस मूवमेंट का मूल उद्देश्य यह है कि जनता में या लोगों में एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि एक वैश्विक भाईचारे की स्थापना करना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो वंश के आधार पर हो, चाहे वो रंग के आधार पर हो। ठीक है, तो किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना ही एक वैश्विक भाईचारे की भावना को प्रचारित करना, एक ब्रदरहुड या यूनिवर्सल ब्रदरहुड को एक्सपांड करना ही इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस मूवमेंट का बेसिक टारगेट था या मूल उद्देश्य था। क्योंकि अगर हम अंग्रेजों की बात करें, ब्रिटिशर्स की बात करें, तो अंग्रेजों के द्वारा इंडिया के समाज में, इंडिया की सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, रंगभेद किया जाता था, और एक सुपीरियर जो है दिखाया जाता था खुद को या स्वयं को। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने जो मूवमेंट किया है इंडिया में, इंडियन लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास लाने की कोशिश की है अपने रिलीजन के प्रति, अपने धर्म के प्रति। इन्होंने एक ऐसा मूवमेंट किया है जिससे इंडियंस का जो खोया हुआ आत्मविश्वास था
अपने धर्म, अपनी जाति, अपने वंश के ऊपर वो डबल से क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इट एक्सेप्टेड द हिंदू बिलीव्स इन रीकार्नेशन एंड कर्मा एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद, सांख्य योग एंड वेदांत। तो ये चीज को समझें कि इन्होंने हिंदू बिलीव्स, हिंदू विश्वास या हिंदू आस्था में विश्वास किया है, हिंदू बिलीव्स को माना है। और हिंदू धर्म में जैसे हम बोलते हैं रीकार्नेशन यानी अवतार का जो कंसेप्ट है कि भगवान का अवतार हुआ था या ईश्वर के अवतार होते हैं, इस कंसेप्ट को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। इन्होंने कर्म के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया है, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही कर्म, उसको वैसा ही फल मिलता है, ठीक है। तो कर्म के सिद्धांत को माना है, ठीक है। इन्होंने इस उपनिषदों की, सांख्य दर्शन की, योग दर्शन की, और साथ ही जो वेदांत है, इट मीन्स जो उपनिषद है, उनके सिद्धांत को, उनकी टीचिंग्स को क्या किया है, कन्फर्म किया है, उनको माना है, उसमें विश्वास किया, ठीक है। तो हिंदू धर्म के बिलीवर्स हैं ये, हिंदू धर्म में आस्था प्रकट की है इन्होंने। थियोसोफिस्ट प्रचार करते थे कि हिंदुइज्म, इसके अलावा जो जरथुस्ट्रियज्म है और जो बुद्धिज्म है, ये इनके जैसे जो प्राचीन धर्म है उन्हें पुनर्स्थापित करना तथा मजबूत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जो जरथुस्ट्रियज्म या मीन्स जो पारसी धर्म है, ऐसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए, इनकी मान्यताओं और परंपराओं को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा मानना है किसका, इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का, जो वेस्टर्न कंट्रीज से, पश्चिमी देशों से भारत में आए हैं। इन्होंने आत्मा के पुनर्गमन, इट मीन्स की सोल के जो ट्रांसमाइग्रेशन है, जो हिंदू धर्म का साथ ही हम बात करें, हिंदू धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसको भी क्या किया है, माना है और इसका भी प्रचार किया है। तो पश्चिमी देशों के ये देखिए, ये मूवमेंट ना ज़्यादा सक्सेस तो नहीं हुआ इंडिया में, लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इनकी एक स्पेशल जगह है, एक महत्वपूर्ण छाप इन्होंने छोड़ के गए हैं भारत के आधुनिक इतिहास में। तो ये पश्चिमी देशों के ऐसे लोग के रूप में हम समझ सकते हैं, पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों के द्वारा ये मूवमेंट चलाया जा रहा था या चलाया गया था, जो भारतीय धर्मों तथा भारतीय दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे। तो इंडियंस के बीच में, भारतीय लोगों के बीच में भारतीय धर्म और भारतीय दार्शनिक सिद्धांतों का ये लोग क्या करते थे, महिमा मंडन करते थे, उसको बड़ा चढ़ाकर क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे ये रिजल्ट हुआ कि भारतीयों का अपना खोया हुआ आत्मविश्वास क्या होता है, फिर से लौटने लगता है, और वो अपने धर्म के ग्रेटनेस को मानने लग जाते हैं, बिलीव करने लग जाते हैं। हालांकि अतीत की महानता का झूठा गर्व, ठीक है ना, प्राचीन समय की या अतीत की, पास्ट की जो महानता है, उसका झूठा गर्व भी उनके अंदर पैदा होने लग जाता है, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं कि हम अपने पास्ट को, अपने अतीत को देखकर हम गर्वान्वित महसूस करते हैं, लेकिन कई बार ये जो गर्व होता है, ये सिर्फ एक झूठा गर्व भी होता है, ठीक है। तो जो वास्तविक चीज है उस पर गर्व करना सही है, लेकिन जो गर्व की बात नहीं है उस पर भी हम झूठा गर्व कई बार कई मौकों पर करते हैं, और ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है इस मूवमेंट के द्वारा, कई मौकों पर ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो इंडिया में आई थी, वो एक आयरिश फीमेल थी, एक आयरिश लेडी थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि एनी बेसेंट का काफी महत्व है इंडिया के पॉलिटिकल, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो शुरू किया गया था, हम फ्रीडम स्ट्रगल में डिस्कस करेंगे। और होम रूल लीग जो इन्होंने शुरू किया था, वो भी इन्होंने अडयार या मद्रास के पास से ही शुरू किया था। इसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी बनती है, पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी जाती है, ठीक है। इसके पहले जब हमने रहनुमाई महादयासन सभा पढ़ी थी, तब हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में डिस्कस किया था, एंड दादा भाई नौरोजी वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में से माने जा सकते हैं कौन, या माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। तो इसी तरह से अब जो सोशलिस्ट हैं, जो रिफॉर्मिस्ट हैं, वो उनका पॉलिटिकल भी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं सोसाइटी इनके जो एनी बेसेंट की, तो अब एनी बेसेंट के जो समाज से भी कार्य थे, जो सोशल रिफॉर्मिस्ट जो इन्होंने कार्य किए थे, उनको हम समझते हैं। तो इस सोसाइटी के क्या कार्य थे, इस थियोसोफिकल सोसाइटी के क्या कार्य थे, इसको समझें पहले, फिर एनी बेसेंट ने क्या किया उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सोसाइटी अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अपलिफ्ट ऑफ आउटकास्ट
इंप्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ वुमेन्स। तो ये बात को समझें कि ये इन्होंने करने की कोशिश की है भारत के समाज में। सबसे पहले इन्होंने अपोज किया है, विरोध किया है चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का विवाह करने वाला ये मूवमेंट है, इस आंदोलन ने बाल विवाह का विरोध किया है। एडवोकेट द एबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद या जातियों में एक दूसरे में जो भिन्नता होती है, जो भेदभाव की जो प्रैक्टिस इंडिया के समाज में की जाती थी, उसका भी इन्होंने क्या किया, एबोलिशन किया है, उसका भी इन्होंने अंत करने की कोशिश की है। अपलिफ्ट ऑफ आउटकास्ट, तो जो आउटकास्ट है, जो विभिन्न जातियों में जो यूनिटी है, एकता है, उसको बढ़ाने की इन्होंने बात की है, उसमें अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ विडो, जो विधवा है, जो विधवा है उनकी स्थिति या उनके उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी इन्होंने डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ विडो और साथ ही जो विडो रीमैरिज है उसके लिए, उसके भी पक्ष में इन्होंने कोशिश की है या मूवमेंट की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में या श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898। तो 1898 में एनी बेसेंट ने क्या किया था, इन 1898 में इन्होंने क्या किया था कि बनारस में एक बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू स्कूल भी कई जगहों पे लिखा होता है। तो इन 1898 इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी इन 1898 बाय द श्रीमती एनी बेसेंट इन बनारस, और जिसका नाम है केंद्रीय हिंदू कॉलेज। ठीक है, और कई बुक्स में ना आपको ये कॉलेज की जगह स्कूल के रूप में भी देखने को मिलता है। तो इन्होंने एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज या सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कहाँ पर की थी, बनारस में की थी इन 1898 में की थी। ठीक है, वेयर बोथ हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वर टॉट, जहाँ पे हिंदू धर्म के साथ साथ जो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा है वो भी क्या की जाती थी, दी जाती थी। ठीक है, तो हिंदू धर्म की शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी कहाँ पर, सेंट्रल हिंदू कॉलेज में, जो कहाँ बनवाया गया था, बनारस में। ठीक है, द कॉलेज बिकेम अ न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। ठीक है, 1916 में इसी स्कूल को या इसी कॉलेज को परिवर्तित कर दिया गया था या इसका डेवलपमेंट कर दिया गया था, किस रूप में, हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में। तो अब ये जो है 1916 में बन चुका था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो फेमस है BHU के नाम से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से, और इसी को कन्वर्ट कर दिया गया था, इसी का डेवलपमेंट कर दिया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में 1916 के अप्रोक्स। और ये करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था महामना या पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी बनारस में। और ये किसका डेवलप्ड रूप था, ये किसका विकसित रूप था, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज का विकसित रूप था, जिसे जिसकी स्थापना की थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी 1898-1898 में। ठीक है, अब देखिए, एनी बेसेंट ऑल्सो डिड मच फॉर द कोज ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन। एनी बेसेंट ने काफी प्रयत्न किए हैं भारत में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, महिलाओं की शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए भी एनी बेसेंट ने काफी कुछ किया है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसका उद्देश्य है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और साथ ही इन्होंने भारतीय धर्म को पुनर्स्थापित करने, बुद्धिज्म और पारसी धर्म जैसे प्राचीन धर्मों की मान्यताओं में बिलीव किया है और उनका महिमामंडन किया है, उनके बारे में इंडियन पब्लिक में जानकारी दी है या इंडियंस को जागरूक करने की कोशिशें की है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हमने सुना, देखा, जिसका नाम है थियोसोफिकल मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए, सिख धर्म की अगर बात करें, सिख रिलीजन की बात करें, तो सिख धर्म में भी कुछ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट किए गए थे, कुछ सुधारवादी आंदोलन किए गए थे। और जो सिख धर्म के रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होते हैं, जो सिख धर्म के सुधारवादी आंदोलन होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके नाम है अकाली आंदोलन या अकाली मूवमेंट। सिख धर्म में जो मूवमेंट हुए हैं उनको कहा गया है अकाली
मूवमेंट या अकाली आंदोलन। इसके अलावा सिंह सभा मूवमेंट, सिंह सभा आंदोलन भी सिख धर्म के आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन था वो अकाली आंदोलन था, जो लगभग 1920 या फिर जो 25 तक चले, लंबे समय तक चले। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, क्योंकि मूवमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं अकाली मूवमेंट या सिख धर्म से संबंधित मूवमेंट से। क्या होता था कि जो सिख गुरुद्वारे थे, जो सिख गुरुद्वारे हुआ करते थे, वहाँ पे उदासी महंत पूरा वहाँ का काम संभालते थे, ठीक है ना। तो सिख गुरुद्वारों की सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी वो उदासी महंतों के द्वारा की जाती थी। और जो उदासी महंत थे वो एक प्रकार से देखा जाए तो वंशानुगत रूप से उनको ये राइट्स मिलते थे और वो वंशानुगत रूप से वहाँ का सारा काम संभालते थे। गवर्नमेंट के अधिकारी के रूप में, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के रूप में वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करते थे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्हीं महंतों को मिलता था। और ये काफ़ी करप्ट हो चुके थे, ये काफ़ी भ्रष्टाचारी बन चुके थे, ठीक है। तो ये जो महंत थे जो पूरे गुरुद्वारों का काम संभालते थे, जो कई समय से इनको मिलते आ रहा था, ये काफ़ी करप्ट या भ्रष्टाचार करने लगे थे, ठीक है। उदासी महंत इन्हें समझा कहा जाता था। धीरे धीरे सिखों में एक मूवमेंट शुरू हुआ और ये जो वर्क था, ये जो अथॉरिटी थी इन महंतों की, इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की गई और इनकी जगह जो ओरिजिनल सिख थे, जो मूल सिख थे, उन्हें गुरुद्वारों की अथॉरिटी देने की डिमांड की गई। और ये मूवमेंट काफ़ी उग्र मूवमेंट हुआ जिसमें कई सिख लोगों की जान भी गई, लेकिन शांतिपूर्ण या हम अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक ये सिख मूवमेंट चलते रहे। और फाइनली गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा, सरकार को मजबूर होना पड़ा और फिर एक एक्ट पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा जो गुरुद्वारों की जो अथॉरिटी थी, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो हुआ करती थी, गुरुद्वारों का जो प्रबंधन था, वो सिख लोगों के या सिख ओरिजिनल सिख लोगों को क्या किया गया था, प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से सिख धर्म में जो मूवमेंट हुए हैं वो भी हुए थे, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैंने एक बेसिक आप लोगों को आइडिया बताया है कि क्या रीज़न था, क्या प्रॉब्लम थी, कि जो गुरुद्वारों का प्रबंधन होता था वो उदासी महंतों के हाथ में होता था और जो कई समय से वो लोग कर रहे थे और वो गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स के रूप में कर रहे थे और वो काफ़ी करप्ट या भ्रष्टाचारी बन चुके थे, ठीक है। इसी एक्टिविटी या इसी रूल, इसी को चेंज करने के लिए, इसी को ख़त्म करने के लिए एक मूवमेंट हुआ था जिसे अकाली मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें सिंह सभा मूवमेंट भी कहा जाता है और फाइनली इन महंतों के हाथों से गुरुद्वारों का प्रबंधन समाप्त हुआ था, ठीक है। तो ये एक लंबा मूवमेंट चला और सक्सेस भी हुआ, ठीक है। चलिए तो अब जो हमारा ये जो टॉपिक था जिसमें हमने बात की सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की, सामाजिक सुधार आंदोलनों की, ये यहाँ पर समाप्त होता है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अगला टॉपिक होगा, ठीक है।